जैनेसा सुनो ना, तुम इतना गेम में क्यों बिजी हो? बाहर जाओ और सब्जी लेके आओ वहाँ पे जो लड़की बैठी उससे। I don't wanna go, I wanna play game. Okay, I'm going. I want to buy one cauliflower and brinjal. Okay, beta. अरे बेटा बाकी के पैसे तो लेती जाओ। बेटा लो जाकर तुम पैसे दे आओ। ये लो। क्या हुआ अंकल? बाकी के पैसे ये भूल गई थी। ये लो। कोई बात नहीं बेटा, तुम रख लो। नहीं मैं ये नहीं रखूंगी, जितने सब्जियों के पैसे थे वो रख लिया हमने। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, फिर भी तुम रख लो। अरे नहीं अंकल, जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ से सब्जियाँ खरीदने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारे यहाँ की सब्जी अच्छी लगती हो तो वापस जरूर आना। अरे वाह, वैसे ये बताओ कि तुम्हें इतनी प्यारी प्यारी बातें किसने करना सिखाई है? ये तो मम्मा ने सिखाई है, बोलती है सबसे अच्छे से बात करनी चाहिए। वेरी गुड, क्या मैं आपकी मम्मी से मिल सकता हूँ? हाँ क्यों नहीं, वो तो इधर ही है। अरे सर क्या हो गया, कुछ गलती हो गई क्या हमसे? अरे नहीं नहीं कोई गलती नहीं हुई है, आपकी बेटी को आपने इतने अच्छे संस्कार दिए हैं, ये तो वैसे भी किसी का भी दिल जीत लेगी, गलती कैसे कर सकती है। हाँ जी इतने संस्कार तो बच्चों में होना ही चाहिए। अरे हाँ एक मिनट, आप वही है ना जो मेरे बड़े बेटे को स्कूल में पढ़ाती थी? मैंने आपको देखा है, वो कॉन्वेंट स्कूल में। नेहा मैडम। हाँ मैं वही हूँ। शायद आपने मुझे नहीं पहचाना, आप मेरी वाइफ को पहचानते होंगे। मेरा बेटा सचिन याद है आपको, सेकंड क्लास में जो था? हाँ हाँ सचिन, वही ना जो स्पेक्स कट रखता था। हाँ हाँ उसे तो मैंने पढ़ाया है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया, आप तो टीचर थे और ये सब्जियाँ बेच रहे? नहीं नहीं ये सब्जियाँ मैं मजबूरी में नहीं बेच रही हूँ, ये तो मेरा गार्डनिंग का शौक है। और कोरोना आने के बाद स्कूल सब कुछ बंद हो गया था, इसलिए मैंने इसका बिजनेस शुरू किया। और अब बगीचे में इतनी ज्यादा सब्जियाँ होने लगी है कि इन सब से हमारा पूरा हो जाता है, इसलिए मैंने सोचा अपने शौक को ही कंटिन्यू कर। अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बात है। अंकल हमारा घर पास में है, चलो चाय पी के जाना ना। नहीं नहीं बेटा फिर और कभी आऊंगा, बड़े अच्छे संस्कार है आपने। और आपने बहुत अच्छे संस्कार दिए आपकी बेटी। और एक मेरी बेटी देख लो जो कि बिल्कुल भी बात नहीं सुनती, पूरे दिन बस गेम ही खेलती रहती है, मोबाइल में लगी रहती है। अरे कोई बात नहीं, बच्चे तो मिट्टी के घड़े जैसे होते हैं, उन्हें जैसे ढालो वो वैसे ढल जाते। नहीं नहीं मैडम, आजकल के बच्चे कच्चे घड़े जैसे नहीं चिकने घड़े जैसे हो गए हैं। अभी एक मिनट रुकिए, मैं आपको उससे मिलवाता हूँ। हाँ ठीक है मिलवा दीजिए। जैनेसा कैन यू कम आउटसाइड? Can't you see I'm playing game? अरे बेटा बाहर, मुझे किसी से मिलवाना है तुम्हें। I don't want to meet anyone. I am really sorry ma'am. जैनेसा के इस बिहेवियर के लिए मैं माफी चाहता हूँ। बच्चों को क्या दोष देना सर, कहीं ना कहीं इन सब में हमारी ही गलती। सच बात तो ये है कि हमें बच्चों को देने के लिए मोबाइल और पैसे तो हैं, बस टाइम ही नहीं। हम उनकी डिमांड तो पूरी कर देते हैं पर उन्हें मोरल सिखाना भूल जाते हैं। सॉरी सर, अगर आपको मेरी बातों का बुरा लगा हो तो मुझे माफ कर देना, पर मैं ये सब बातें आपको इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपका बेटा एक समय में मेरा स्टूडेंट रह चुका है। अरे नहीं नहीं मैडम, मुझे कोई बुरा नहीं लगा, जो बात सही है वही आपने बोली। और एज अ टीचर अगर आप ये बात नहीं समझाएंगे तो फिर कौन समझाए? और आपकी बातें आगे से मेरे माइंड में हमेशा रहेगी। और अपने बच्चों को मैं कोशिश करूंगा कि मोबाइल ना दूं। When are you gonna come? I have to go to the mall. Okay, बेटा ठीक है मैडम, अब हम लेट हो रहे हैं, हम लोग निकलते हैं। ठीक है सर और आइएगा। अंकल ये रहे आपके पैसे। दोस्तों अपने बच्चों को सही शिक्षा और संस्कार देने के लिए अपना समय दें, ना कि मोबाइल और गेम्स। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करना। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। Love you everybody. Thank you.